मैम बायोमेट्रिक हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल में एआरटी सेंटर में दो ट्रांस वुमेन को लोगों को डॉक्टर्स को रिक्रूट करना करा इसके लिए वो ट्रांस वुमेन ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोलने के लिए हम एक महीने के टाइम पे अंदर ट्रांसजेंडर का एक क्लिनिक ओपन कर रहे उसके लिए और एचआईवी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए वो लोगों को रिक्रूट करना पड़ा। जो 3 दिन से वो लोग आ रहे उसका सर्विसेज दोनों को यूज़ होता। ये लोगों का पेशेंट लोग वो बॉम्बे उधर इधर जाके पूरा पैसे खर्च करके वो ट्रीटमेंट सही नहीं ले रहे उसलिए वो लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट देना बोल के ये लोगों को रिक्रूट करना पड़ा। उससे फ़ायदा वो लोगों को कम्युनिटी को फ़ायदा होने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। डॉक्टर है इसमें ट्रेनिंग भी है वो लोगों को। ये लोग MBBS डॉक्टर फ्रॉम 1 मेल्लारेड्डी मेडिकल कॉलेज में एक पढ़ के एक रिम्स आदिलाबाद में एक पढ़ के ISO है। वो लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है इसमें काम करने का एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उनको हेल्प करने के लिए उसको वेलफेयर फंड्स को भी 5 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का फंड्स डोनेट करेगा। अमरक नया था डायरेक्ट वेलफेयर फंड बोर्ड को दिए उसके हिसाब से हम लोग उनके साथ साथ मिल के वो लोगों के लिए हेल्प वेलफेयर करने के लिए मेडिकल एड करने के लिए हेल्प करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम तो इधर लोकल कॉन्ट्रैक्ट का है ये गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट प्रेफरेंस देने के लिए रेडी है। उसको भी रिजर्वेशन देना बोल के कोर्ट में भी चल रहा वो लोगों को कितना अच्छा से अच्छा अभी मेरे को मालूम है सो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में ऐसा इम्पॉर्टेंस दे रहे किधर भी कौन सा भी स्टेट में नहीं दे रहे। वो हमारा शुक्रिया हमारा CM चंद्रशेखर राव साहब को और कुपलेश्वर साहब को हरीश राव साहब को शुक्रिया। तेवन में कुछ पास हो गया वो लोग आउटसोर्सिंग में कॉन्ट्रैक्ट नॉट आउटसोर्सिंग दे आर कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बोले तो टेम्प्रेरी रहता कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यूअल भी हो सकता है उनका काम अच्छा है तो उनको ट्रांसजेंडर क्लिनिक में भी डाल सकते हैं।